Hello and welcome to history classes. This is class 9th SEBA geography textbook and we are doing chapter number 3 geography of India. Aaj hum padhenge northern plains ke bare mein. So after the Himalayas, northern plains are one of the prominent feature in Indian physiography. And we have already learned ki Himalayan ranges se kuch rivers nikalti hai jinki wajah se hi northern plain established hua tha. Okay. सो नॉर्दर्न प्लेन कहाँ पे लोकेटेड है? राइट बिटवीन द हिमालयस एंड डेक्कन प्लेटू. सो हिमालय इज टूवर्ड्स इट्स नॉर्थ एंड डेक्कन प्लेटू साउथ की तरफ है. सो इट एक्सटेंड्स, दिस नॉर्दर्न प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम असम इन द ईस्ट. ईस्ट में असम से लेकर स्ट्रेचेस टिल अबाउट इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, यानी कि पंजाब और राजस्थान तक ये स्ट्रेच होता है नॉर्दर्न प्लेन्स. दिस फिजियोग्राफिक यूनिट इज ऑल्सो नोन एज इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. ऑब्वियसली नॉर्दर्न प्लेन का नाम अपने रिवर्स पे ही पड़ा है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. दीज आर द मेन थ्री रिवर्स जिसकी वजह से ये प्लेन इस्टेब्लिश हुआ है. दिस वास्ट प्लेन हैज इट्स डिफरेंट विड्थ्स एट डिफरेंट प्लेसेस. सो इंडो गंगा प्लेन का विड्थ ज्यादा है, अबाउट 20 किलोमीटर टू 240 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर. वही ब्रह्मपुत्र प्लेन जो कि असम में है उसका विड्थ है 80 किलोमीटर. द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन का रीजन कवर्स टोटल एरिया ऑफ अबाउट 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर. सो द वास्ट नॉर्दर्न प्लेन रीजन कंसिस्ट ऑफ 5 प्लेन्स. टोटल 5 प्लेन्स आते हैं नॉर्दर्न प्लेन में. ये है वेस्टर्न प्लेन, देन पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन, नॉर्थ बंगाल प्लेन, देन ब्रह्मपुत्र प्लेन. ओके, इसमें पंजाब और हरियाणा के पार्ट्स भी इंक्लूडेड है, ड्राई पार्ट्स. सो द पंजाब हरियाणा प्लेन क्रिएट हुआ है कौन से रिवर से? ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ इंदास, सतलज, ब्यास एंड रवि. और गंगा प्लेन जो कि कवर करता है स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, has been created by the rivers Ganga and Yamuna, या फिर जमुना. The rivers of northern Himalayas have created the North Bengal Plain. Okay, North Bengal basically Siliguri, Jalpaiguri वाला area. So हिमालय से जो river आती है उसने North Bengal Plain को create किया है, mainly Tista River etc. Similarly, the Brahmaputra and its large number of tributaries have created the Brahmaputra Plain. So, Assam mein Brahmaputra ne Brahmaputra Plain create kiya hai. The three principal Himalayan rivers. You must remember there are three principal Himalayan rivers, main Himalayan rivers, Indus, Ganga, and Brahmaputra. And obviously, they are main because उनके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जुड़ती है, बहुत ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी, आगे हम पढ़ेंगे. तो द ट्रिब्यूटरीज इंडस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? सतलज, ब्यास एंड रवि. एंड दे कैरी एलुवियल सेडिमेंट्स. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट हिमालयन रिवर्स कैरी ह्यूज सेडिमेंट्स. सो दिस सेडिमेंट्स हैव बीन डिपॉजिटेड इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. एंड इनकी वजह से क्या हुआ है? एक फर्टाइल एरिया या फिर प्लेन क्रिएट हो गया है. और फर्टाइल प्लेन एरिया क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है. दिस प्लेन इज स्लोपिंग टूवर्ड साउथ एंड एज इट इज वेरी फर्टाइल इट हैज हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑब्वियसली. सो वी हैव ऑलरेडी नो लर्न्ड दैट नॉर्दर्न प्लेन एरिया में क्योंकि फर्टाइल प्लेन्स है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है, तो वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत है. This plain region covers an area of 1.75 lakh kilometer square. On the other hand, River Ganga and its main tributaries coming out of Himalayas have created the Ganga Plain. So River Ganga originate hoti hai very important Gangotri glacier se. ठीक है, ये question आ सकता है. From where does the River Ganga originate? It originates from Gangotri glacier from in the higher Himalayas. ठीक है. It has its course through कौन कौन से स्टेट से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल. एंड देन बांग्लादेश रीच करती है टू फाइनली रन इन टू बे ऑफ बंगाल.
ओके, तो बांग्लादेश में यू मस्ट रिमेम्बर दिस कि ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिलती है वो. वाइल्ड फ्लोइंग थ्रू द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, गंगा के साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जुड़ती है. सो गंगा रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज क्या है, यू मस्ट ऑल्सो रिमेम्बर दिस. अलकनंदा रिवर, जमुना रिवर, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन एंड कोशी रिवर. द गंगा एंड इट्स मेनी ट्रिब्यूटरीज हैव बीन कैरिंग एनॉर्मस सेडिमेंट्स. ये कॉमन फैक्टर है इन तीनों रिवर्स का, इसलिए तो फर्टाइल प्लेन्स डेवलप हुआ है ड्यू टू दिस सेडिमेंट्स डेपोजिशन, थereby क्रिएटिंग द गंगा प्लेन. दिस प्लेन कवर्स अ टोटल एरिया ऑफ 357,000 किलोमीटर ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. ओके, इट इज डेंसली पॉपुलेटेड ऑब्वियसली एंड एग्रीकल्चरली एडवांस्ड ड्यू टू इट्स फर्टाइल सॉइल. एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. गंगा के थ्रू एंशियंट टाइम से ही रिवर ट्रांसपोर्टेशन होता आ रहा है. वैसे जैसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर में भी होता है, इट इज यूज फॉर रिवर ट्रांसपोर्टेशन एज वेल. सो रिवर ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ असम को क्रिएट किया है. ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट करती है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है शामयुंगदान ग्लेशियर, जो कि लोकेटेड है टिबेटन प्लेटू में. जो रिवर ब्रह्मपुत्र है वो लोहित नाम से इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट, देन इट फ्लोज थ्रू असम एंड बांग्लादेश. तो असम में इसका पूरा थ्रू आउट असम एक लंबा कोर्स है. अगर आपने मैप में देखा होगा तो यू माइट नोटिस कि एंटायर लैंड ऑफ असम में ये ट्रेवल करती है ब्रह्मपुत्र रिवर. सो इट मीट्स रिवर गंगा बिफोर इट फाइनली फॉल्स इन टू द बे ऑफ बंगाल. सो बांग्लादेश में मैंने पहले ही बताया है कि बांग्लादेश में रिवर गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र मीट करती है, दे ज्वाइन टूगेदर एंड फाइनली दे फॉल इन टू बे ऑफ बंगाल. द 700 किलोमीटर लॉन्ग कोर्स. तो ब्रह्मपुत्र का जो कोर्स है वो कितना लंबा है, असम असम में 700 किलोमीटर. एंड असम में ही बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है ब्रह्मपुत्र को, इसलिए ही उसका साइज इतना विशाल है ब्रह्मपुत्र रिवर का. सो नॉर्थ बोथ नॉर्दर्न बैंक्स और साउदर्न बैंक से उसको ट्रिब्यूटरीज मिलती है. सो नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है. सुबानसरी, जिया भराली, धनसिरी, पुथीमारी, पगलदिया, मानस, चंपावती. और साउथ बैंक से जो ट्रिब्यूटरीज है वो है बूढ़ी दिहिंग, दिसांग, दिखौ, धनसिरी, कपिली एंड कृष्णाई. अगर आप लोग में से कोई गुवाहाटी में रहता है तो गुवाहाटी में भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि ब्रह्मपुत्र में मिलती है, वो है भरालू रिवर, है ना. भरालू मुख नाम का एक प्लेस भी है गुवाहाटी में. सो वहीं पे आप नदी देखेंगे तो कैसे वो ज्वाइन होती है ब्रह्मपुत्र से भरालू मुख में, तो वैसे ही रिवर्स के साथ ट्रिब्यूटरीज जुड़ती है. और भरालू रिवर इज द साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी. सो आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट दस नॉर्थ बैंक एंड साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज मीन. द ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज फॉर्म्ड ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. एंड द प्लेन विद एन एवरेज विड्थ ऑफ 80 किलोमीटर इज स्लोपिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट. सो इसमें स्लोपिंग का मतलब है कि प्लेन तो है लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे जाता है, मतलब ईस्ट से, इट इज नॉट अ हिली एरिया बट स्लोप है उसका. सॉरी, ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट से ब्रह्मपुत्र प्लेन वो ईस्ट ऐसे स्लोप होता है. वैसे ही हमने देखा था जो पंजाब हरियाणा प्लेन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ स्लोपिंग है. अंडरस्टूड. सो ये प्लेन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें ऑब्वियसली लाइक अदर प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, उसमें फर्टाइल एलुवियल सॉइल है. एंड जो फिजियोग्राफी भी फेवरेबल है, यानी कि प्लेन फिजियोग्राफी है जिसमें रोड्स वगैरह अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, बिल्डिंग्स बिल्ड कर सकते हैं, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है. तो इसी की वजह से जो नॉर्थ ईस्ट में है कंपेरेटिवली असम या फिर स्पेसिफिकली गुवाहाटी बहुत ही डेवलप्ड है, ज्यादा डेवलप्ड है बच्चा अदर देन दी अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर प्लेसेस. बट मेनी पार्ट्स ऑफ द प्लेन गेट इनंडेटेड बाय फ्लड्स ड्यूरिंग द समर, ऑब्वियसली मॉनसून के टाइम में भारी बारिश के कारण. और ब्रह्मपुत्र का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि फ्लड्स बहुत होते हैं. टू द वेस्ट ऑफ द फर्टाइल इंडो गंगा प्लेन
ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया, द ड्राई डेजर्टिक प्लेन ऑफ राजस्थान इज लोकेटेड. इट इज अ पार्ट ऑफ थार डेजर्ट. मोस्ट ऑफ इट्स एरिया आर ड्राई एंड सैंडी. सो दिस इज अनदर सेक्शन. इट टॉक्स अबाउट थार डेजर्ट. सो थिक इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के वेस्ट साइड में बहुत ही ड्राई और डेजर्ट है. ठीक है, प्लेन. तो इस इट इज अ पार्ट ऑफ थार डेजर्ट. सो थार डेजर्ट ऑल्सो एक्सटेंड्स इन द पाकिस्तान. ठीक है, तो कुछ हिस्सा इंडिया में भी है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, एंड इट इज वेरी ड्राई एंड सैंडी. सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी लर्निंग अबाउट द डेकान प्लेटू. आई होप यू हैव अ गुड डे. थैंक यू. So thank you and see you in the next class.